इम्पॉसिबल है, क्योंकि देखिए जो यूके है वो अभी इतना बुलंद है, लाइक इतना वो स्ट्रॉन्ग कंट्री है, इंडिया को कभी भी बीट कर नहीं, वो इंडिया जा कभी यूके को बीट कर ही नहीं सकता ही होगा। तो ये बात सच है कि इंडिया का जो है सारा कल्चर, हर चीज़ जो है ना वो मानने वाली है, वो तरक्की तो कर गई है। मेरा ख्याल है कि इंडिया जो है काफ़ी हद तक जो है कंपैरिजन कर रहा है दूसरे मुल्कों के साथ जो है, तो यकीनन जो है वो यूके को भी मेरा ख्याल है कि मात दे सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? शगुफ्ता। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि अब अगर देखा जाए तो इंडिया ने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर ली है, सही है, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स हैं, इंडस्ट्रीज अपनी लग रही हैं, सिलिकॉन, लिथियम, व्हाटएवर जो भी आप लोग देख लें, एजुकेशन सिस्टम देख लें, पॉलिटिकल स्टेबिलिटीज़ है, उनके सीईओज़ मल्टीनेशनल कंपनीज़ पर हैं, और अब जो इंडिया है ना उसको यूके से बेटर कंसीडर किया जाने लगा है, तो क्या ये ठीक है? यूके से बेटर तो वैसे वो हो नहीं सकता, लेकिन ये है कि उसने अपना लोहा हर जगह मनवा लिया है। अब ये देखिए लाहौर में कौन, पाकिस्तान में कौन सा कम है? बिल्कुल, पाकिस्तान में सारा कल्चर अपना ख़त्म हो के इंडिया का ही अडोप्ट किया हुआ है। सही हो गया। तो ये बात सच है कि इंडिया का जो है सारा कल्चर, हर चीज़ जो है ना वो मानने वाली है, वो तरक्की तो कर गई है। सही हो गया। तो पाकिस्तान को कब ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा कि जहाँ पर लोग कह सकते हैं कि यस अब ये भी इस कंट्री से आगे है? या लोगों पे डिपेंड नहीं करता, आपकी हुकूमत पे डिपेंड करता है। या देखें ना, आपकी हुकूमत अब ये देखें एक कानून पास हुआ है, तो आप वो खुद देखें वो कानून पास होने वाला था, वो पहले सबसे पहले इंडिया में पास हुआ, उसके बाद पाकिस्तान में हुआ। इसका मतलब कि जो हमारे हुक्मरान है ना उनका सारा मसला होता है सिर्फ हुक्मरानों पे होता है, अवाम जो हमारी, वैसे ये भी कहा जाता है जैसी अवाम वैसा हुक्मरान, ये बात तो सच है, लेकिन हमारी अवाम जो है वो भी थोड़ी डफड़ी है। सही है। सीधा जवाब। हाँ ना, वो पीछे लग जाते हैं यार, वो अपने लिए बोलती क्यों नहीं है, बाहर निकले वो बताए कि भाई ये गलत बात, गलत को गलत साबित करे, सही को सही, वो फौरन जो है उसमें हाँ में हाँ ना किया करे, तो फिर ये हम लोग बस वो कहते हैं ना लकीर के फकीर। एग्जैक्टली exactly. वो ये चीज़ है। सही हो गया। तो इस लकीर के फकीर को कब छोड़ेंगे हम लोग? जब यहाँ से आप बिल्कुल प्रिपेयर हो जाएंगे कि नहीं यार हम जो है ना हम बिल्कुल वो मजदूर हो चुके हैं, तो वो समझेंगे कि बाकी मजदूर है और हमने पावरफुल बनना है, तब ये शायद हमारे अंदर ये पावर आना शुरू हो जाए। सही हो गया। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? आयशा जाकर। आयशा, आयशा मुझे ये बताएं कि अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान ने इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस किया, ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स उनकी कंट्री में है, कोई भी मिनरल देख लें उनकी कंट्री में अवेलेबल है, आईफोन 14 से लेकर 5G तक की प्रोग्रेस कर चुके हैं वो लोग, ठीक है, और अब तो ये भी बात सुनने में आ रही है कि जो यूके है, ठीक हो गया, उसने इंडियन उसको भी पीछे छोड़ दिया, और लोग कह रहे हैं कि क्या इंडिया यूके से बेहतर बनता जा रहा है? ये इट इम्पॉसिबल है, क्योंकि देखिए जो यूके है वो अभी इतना बुलंद है, लाइक इतना वो स्ट्रॉन्ग कंट्री है, इंडिया को कभी भी बीट कर नहीं, वो इंडिया जा कभी यूके को बीट कर ही नहीं सकता, इट्स इम्पॉसिबल, ठीक है, क्योंकि लाइक इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है, वैसे ही बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसकी लाइक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑल दैट बिल्कुल बहुत स्ट्रॉन्ग है। सही हो गया। इस हर एक चीज़ को स्ट्रॉन्गनेस तो जाहिर सी बात है उनकी जो गवर्नमेंट है वो दे रही है, उनके फॉरेन मिनिस्टर दे रहे हैं, तो हमारे फॉरेन मिनिस्टर, हमारी गवर्नमेंट हमें कब उस लेवल तक लेके जाने वाले हैं? ये तो इम्पॉसिबल आपने सवाल पूछा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए हम अभी अंडर डेवलपिंग कंट्री हैं, ठीक है, हमें वहाँ तक पहुँचने बहुत स्ट्रगल रिक्वायर्ड है, ठीक है, और हमारी जो हुकूमत आप देखें नवाज शरीफ तक आया हुआ है, ठीक है ना, या ये शहबाज शरीफ वगैरह ये कुछ भी नहीं कर सकते, तब इमरान खान तब तक भी बेहतर था, तब मे भी हो सकता था कि शायद हम लोग जो है उस लाइक इंडिया तक या यूके तक पहुँच जाएँ। बिल्कुल। अभी तो कोई चांसेस ही नहीं है, इम्पॉसिबल, हम लोग हमारे पास लाइक देखा जाए तो हम इकोनॉमिकली वीक जा रहे हैं, ठीक है, और वैसे ही हमारे काफ़ी क्राइसिस आ गए हैं, ठीक है, फ्लड्स आ गया हमारा। बिल्कुल, ठीक है, फ्लड देखे सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर जिसकी वजह से हम बजाय प्रोग्रेस करें हमारा डाउनफॉल आता चला जा रहा है। बिल्कुल, ठीक है, हमारा लाइक बिल्कुल उनकी गवर्नमेंट इतनी स्टेबल है, हमारी स्टेबल नहीं है, 3 माह बाद 6 माह बाद 3 साल बाद हमारी गवर्नमेंट बदल जाती है, 8 साल से वहाँ एक ही हुकूमत जो सी है वो अपनी गवर्नमेंट अपनी पावर दिखा रही है। सही हो गया। और आने वाले वक्तों में वही गवर्नमेंट दोबारा पावर दिखाने वाली है, तो इसके बारे में अभी याद आया इंडिया की या यूके की? इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो बहुत स्टेबल है। हाँ, इंडिया की बहुत स्टेबल है, क्योंकि देखें वो स्टेबल इसलिए है क्योंकि वहाँ का जो हुक्मरान है बेसिकली वो आवाम के लिए कुछ वो क्या कहते हैं काम कर रहे हैं, ठीक है, उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, हमारी आवाम जो हमें खा रही, हमारे से टैक्स ले रही हर चीज़, तो हमसे टैक्स ले रही है, ठीक है, हम अब देखें कार्ड है एक जैसा का उसमें टैक्स लग रहा है, ठीक है, सारा कुछ आवाम से लेके जाएंगे तो आवाम के पास खाने पीने का कुछ रह ही नहीं गया, तो क्या वो स्टेबल वहाँ तक स्टेबिलिटी आ ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, अगर इमरान खान आ जाए
तो दैन पॉसिबल है, क्योंकि उसने काफ़ी अच्छी अच्छी स्टेबिलिटी स्ट्रेटजीज बनाई थी, जिसकी वजह से हमारा जो पाकिस्तान था वो थोड़ा सा प्रोग्रेस की तरफ आ रहा था। ठीक है, अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इमरान खान के खिलाफ हैं। खैर, इतने पॉइंट भी देना चाहूँगी क्योंकि पॉलिटिक्स शुरू हो जाएगी यहाँ पे। ओके, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? हंजला। हंजला, मुझे ये बताएं कि सुनने में ये आ रहा है कि जो इंडिया है अपनी इन्वेस्टमेंट प्रोग्रेस को डेवलपमेंट को लेकर क्या यूके से बेहतर बनता जा रहा है? अभी तो नहीं, इतना भी इंडिया को कहना चाहता हूँ हवा में ना उड़े, यूके यूके है, इंडिया इंडिया है, चाहे जैसी भी टेक्नोलॉजी ले आए यूके यूके ही रहेगा। जी, हो गया। तो ऐसी क्या वजह है कि उन्होंने रिलेट करना स्टार्ट कर दिया यूके को और इंडिया को? हाँ, ये बात है कि उन्होंने अपनी गाड़ियाँ बनाना शुरू कर दी हैं, उन्होंने अपना क्या नाम है 5G लॉन्च अभी अक्टूबर में शायद कर रहे हैं। ये है कि शायद लेवल तक आ जाए, लेकिन उससे ऊपर तक तो मुझे लगता नहीं कि आएंगे। सही हो गया। तो पाकिस्तान को आप किस पोजीशन पर देखते हो? क्या हम किसी और कंट्री के साथ अपना कंपैरिजन कर सकते हैं या अपग्रेड हो सकते हैं? हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं, अपग्रेड हो सकते हैं, लेकिन पहले इन चीज़ों, ये जो पॉलिटिक्स के मसले हैं, इन चीज़ों से पहले मसले हल हो जाएँ, फिर शायद हो सकते हैं हम। लेकिन हम आ सकते हैं, अगर इमरान खान आ गया ना तो मैं आपसे यकीन से कह सकता हूँ ये। अच्छा, तो मुझे एक और बात बताएं कि लोग हमेशा क्यों इंडिया को बहुत ज़्यादा प्रेफराइज कर रहे हैं देखने में कि वो यूके से बेहतर बनता जा रहा है, वो अमेरिका से बेहतर बन जाता है, डॉलर की प्राइस गिरती जा रही है, ऐसे क्या वजह? लोगों का तो कहना यही है, लेकिन मेरे नज़र में तो यूके यूके ही है, चाहे जैसा मर्जी हो इंडिया, चाहे जैसी मर्जी टेक्नोलॉजी ले, लेकिन यूके यूके ही रहेगा। इनके ख्याल में यूके यूके ही रहेगा और भारत भारत ही रहेगा। भारत भारत ही रहेगा। सही हो गया। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? एहसन अली। एहसन अली, मुझे ये बताएं कि इंडिया की प्रोग्रेस को, इन्वेस्टमेंट्स को, उनकी इंडस्ट्री को देखते हुए ये चीज़ सामने आ रही है कि क्या हिंदुस्तान जो है वो यूके से बेहतर बनता जा रहा है? बिल्कुल बेहतर बनता जा रहा है। वो उनकी जो गवर्नमेंट है, मोदी साहब, उन्होंने अपनी गवर्नमेंट को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया। आपको पता है कि उन्होंने 5 साल की हुकूमत होती है, उन्होंने 2 दफ़ा अपनी हुकूमत को स्टेबल कर लिया हुआ, उससे 2 दफ़ा अपनी हुकूमत में आगे हुए हैं। उन्होंने 10 साल में अपने मुल्क को इतने आगे लेवल पे ले गए हैं कि वो यूके को भी बीट करने लग गए हैं, और ऊपर से वो हर चीज़ को एक साथ लेके चल रहे हैं, अपनी गवर्नमेंट के किसी मेम्बर को नीचे नहीं लगने दे रहे, और ना उनकी रिस्पेक्ट वगैरह कुछ भी नहीं नीचे गिरने दे रहे। ये सारी बात है, इस वजह से इंडिया मुल्क बहुत आगे तरक्की याफ्ता मुल्क बन गया होगा। तरक्की याफ्ता मुल्क की बात तो आपने बिल्कुल ठीक की है कि अगर देखा जाए तो वो अपनी ही करेंसी में भी ट्रेड करते हैं, वो डॉलर इस्तेमाल नहीं करते हैं। सही है। और अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान किस लेवल पर जा सकता है? क्या हम भी कह सकते हैं कि हम भी किसी के कंपैटिबल हैं, कंपटीटर्स बन सकते हैं? हम लोग कंपटीटर बन सकते हैं जब तक हमारी हुकूमत स्टेबल नहीं होगी। हमारी आज तक 5 साल पूरी किसी की भी हुकूमत होनी दी है, नहीं होने दी। जब तक हमारी 5 साल एक बंदे को पूरा प्रॉपर देखा ना जाए, उसको पूरा देख के उसकी हुकूमत पे गौर किया जाए, वो कैसे चल रहा है, कैसे नहीं चल रहा। बट हम लोग इसी वजह पीछे हैं। हम लोग भी जा सकते हैं, हम लोग पाकिस्तान वाले इंडिया को भी बीट कर सकते हैं, इवन देन दूसरे ममालिक को भी बीट कर सकते हैं। बट क्या है, हम लोग ग़ुलाम बने हुए हैं अभी। हम लोग जब तक ग़ुलामी से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक हमारे मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। 75 साल में हम लोगों ने क्या सीखा है और क्या किया है? हम लोग वही चल रहे हैं। हम लोग ज़िया लग के दौर से ही हम लोग यही चीज़ चलते आ रहे हैं। हम लोग अमेरिका के पीछे लगे हुए हैं, अमेरिका ने जो कहना है हम लोग वैसे चलना है। हमारे इवन देन के हमारे इस्लामिक कंट्री जो ममालिक हैं वो भी हमारा साथ क्यों नहीं देते, क्योंकि हम लोग उनके साथ नहीं चल पाते। हम लोग यूरोप, अमेरिका, यूके हो गया, उसके बाद अमेरिका को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, जिस वजह से हम लोग नीचे गिर गए हैं। इंडिया वाला, इंडिया की गवर्नमेंट इसलिए आगे तरक्की याफ्ता मुल्क बन गया है, वो किसी की सुनता नहीं है। अगर वो अपनी करेंसी पे अगर ट्रेड कर रहा है ना, बहुत अच्छा ट्रेड कर रहा है, क्योंकि उसको अपनी करेंसी की वैल्यू बनानी है। वो अगर अपनी करेंसी की वैल्यू नहीं बनाएगा वो भी नीचे आता जाएगा। बट आपको पता है कि दुनिया का दूसरे नंबर पर इंडिया का बंदा है, मुझे नाम नहीं पता है, बट जो भी है इधर से अंदाज लगा ले, वो तरक्की याफ्ता मुल्क है। वो अपनी करेंसी की वैल्यू ज़मीन से आसमान की तरफ लेके जाना है। दूसरे नंबर पे बात करूँगा, इंडिया के साथ हम कंपेयर कर ही नहीं सकते, कैसे करेंगे, हमें कंपेयर करना आता ही नहीं है। कंपेयर तो हम तो तब करें ना जब हम लोगों ने उनको कोई किसी चीज़ पे बीट किया हुआ है। हमारी एजुकेशन लेवल देखे, हमारा IT सेक्टर देखे, ईच एंड एवरीथिंग देखे, हमारा सारा लो पे है, हम लूज पे जा रहे हैं। इंडिया वाले IT सेक्टर देखे, उनका एजुकेशन लेवल देखे, स्ट्रॉन्ग है,
ईच एंड एवरीथिंग, और टेक्नोलॉजी पे देखा जाए वो स्ट्रॉन्ग है, तो उन्होंने तरक्की याफ्ता मुल्क बनना ही, उन्होंने अपनी करेंसी की वैल्यू इसी वजह से बनानी है ना, तो इसलिए वो तरक्की याफ्ता मुल्क बन रहे। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम सर? मेरा नाम अली। अली, मुझे ये बताएं कि इंडिया की प्रोग्रेस को, उनकी इन्वेस्टमेंट्स को, उनके मुल्क के अंदर जो कंट्री लगी हुई है, सॉरी इंडस्ट्रीज लग रही हैं, सही होगा, और आईफोन की इंडस्ट्री है, सैमसंग की इंडस्ट्री है, गूगल की इंडस्ट्री लगी हुई है, उसके बाद सिलिकॉन, लिथियम, उनका इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू देख लें आप लोग, इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इकोनॉमिक्स का कहना है कि क्या आने वाले दिनों में जो हिंदुस्तान है वो यूके से बेहतर होता जाएगा या हो गया है? मेरा ख्याल है कि इंडिया जो है काफ़ी हद तक जो है कंपैरिजन कर रहा है दूसरे मुल्कों के साथ जो है, तो यकीनन जो है वो यूके को भी मेरा ख्याल है कि मात दे सकता है, क्योंकि इनके पास भी काफ़ी अब टेक्नोलॉजी है, मतलब आम दूसरे मुल्कों की बनिस्बत अगर देखा जाए ना तो काफ़ी टेक्नोलॉजी है, मतलब इंडिया भी अब देखा जाए तो कि काफ़ी आगे पहुंचा है और किसी से कम नहीं है। सही हो गया। बात आपने बिल्कुल एग्जैक्ट किया है कि इंडिया की जो प्रोग्रेस है वो बहुत ही ज़बरदस्त देखने को मिल रही है। प्रोग्रेस काफ़ी अच्छी है इंडिया की जो है ना। तो पाकिस्तान को हम किस मैार पर, किस लेवल पर देखते हैं इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए? पाकिस्तान को अगर कंपैरिजन किया जाए तो पाकिस्तान अपनी जगह पे है और इंडिया अपनी जगह पे, सारे मुल्क अपनी अपनी जगह पे हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी के हवाले से अगर बात की जाए तो टेक्नोलॉजी जो है वो इंडिया की भी, मतलब नो डाउट के काफ़ी अच्छी है, पाकिस्तान की भी काफ़ी अच्छी है टेक्नोलॉजी जो है, लेकिन तकरीबन ठीक ही है बस। पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी की बात करें, एजुकेशन की बात करें, उनके लेबर की बात करें, तो हर एक चीज़ बहुत ज़बरदस्त मिलती है हमारी अपनी कंट्री के अंदर, लेकिन इसके बावजूद हमें यहाँ पर वो मौके फ्राहम नहीं किए जाते कि हम भी किसी कंट्री के कंपैटिबल या कंपटीटर बन सकें। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। पाकिस्तान में असल में आपको पता है कि इंडिया में आप चले जाएँ, बाहर के मुल्क में कहीं भी आप चले जाएँ ना, वहाँ पर जो गोरा है ना वो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है अपनी वहाँ की आवाम को, अपनी वहाँ जब बच्चा पैदा होता है ना तो पैदा होते साथ ही वो जब तक बालिग नहीं हो जाता ना तो तब तक 18 साल तक गवर्नमेंट उसका सारा खर्चा जो है ना, एक मैं आपको शेड्यूल बता रहा हूँ कि वो वहाँ पर गवर्नमेंट उठाती है उसके पढ़ने लिखने का, उसके सारे फैसिलिटीज़ जो हैं, क्योंकि वहाँ की जो हुकूमत है ना, वहाँ का जो कानून है, वहाँ डिसिप्लिन बड़ा है, आप रोड पर चलते हुए एक कागज़ का तिनका नहीं फेंक सकते। ये हमारा पाकिस्तान जो है ये तो दगड़ मगड़ सब कुछ ही ये बस ऐसी, मैंने पंजाबी में आपको शॉर्ट में आपको बता दी है, मैंने दगड़ मगड़ सब कुछ ही जो है ना, दगड़ मगड़ से मुराद है कि वो सारा कुछ एक ही है यहाँ पर जो है ना, गोरा जो है वो चांद पे ऐसी नहीं पहुँच गया, उन्होंने तरक्की इस वजह की है उन्होंने, क्योंकि वो ईमानदार एक मुल्क है, वहाँ पर बेईमानी नहीं खास तौर पर होती, वहाँ पर करप्शन नहीं है और वहाँ का जो निज़ाम है वो बेहतर है, ठीक है ना। और इंडिया जो है, इंडिया में गुर्बत क्योंकि ज़्यादा है पाकिस्तान की निस्बत जो है, पाकिस्तान में तो इतनी गुर्बत नहीं है, वहाँ बहुत है, और तभी वहाँ पर महंगाई नहीं है, सस्ती चीज़ें हैं, बहुत सस्ता है यकीनन। हाँ, जो गाड़ी यहाँ 20 लाख की मिलती है ना, वहाँ पर वो 3 लाख की मिल जाती है गाड़ी जो है ना, यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि इंडिया वाले जो है ना, इंडिया वाले टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी हमसे आगे हैं, और बाकी महंगाई के लिहाज से तो बहुत ही सेफ़ एंड साउंड है पाकिस्तान ही, बस ये एक मुल्क हमारा वाहिद है कि यहाँ पर हर जो मर्दी यहाँ पर कर रहा है ना तो उसको पूछने वाला कोई नहीं है, ये एक ड्रॉबैक है हमारे मुल्क के अंदर जो है, बाकी अगर ये हुक्मरान ठीक हो जाए और अवाम भी ठीक हो जाए तो फिर मेरा ख्याल है कि बेहतर हो सकता है अगर इसको चेंज किया जाए, मगर करने से है। ओके, थैंक यू सो मच।